नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज धुले में हूँ और यहाँ से आज मैं इंदौर तक जाने वाला हूँ। बस की जर्नी होगी, बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ में एंजॉय करें। और अभी आप जो देख पा रहे हैं ये मेरे होटल का व्यू, जो मैं धुले में रुका था उसी होटल का व्यू है। और हर वो चीज़ जो हमें चाहिए वो यहाँ मिलती है। जैसे आप देखें तो ये कपड़ा आपको लगाने के लिए हैंगर मिल जाता है, टॉवल मिल जाता है, जैसे ये मेरा टॉवल जो मैंने यूज किया, और इसके साथ में पानी मिल जाता है, टीवी है, अलमारी है, कुर्सी है, टेबल है, आपका ये बेड जैसे है तो ये सामने शीशा हो गया। और इधर आप बात करें तो ये कपड़ा लगाने के लिए दूसरा एक हैंगर है और ये अटैच बाथरूम, साफ सुथरा, बड़ा, काफ़ी बड़ा, और बाथरूम में आपको मिल जाता है। और इस तरह से ये अच्छा रूम, ठीक ठाक रूम जिसे हम बोल सकते हैं, ये मुझे 600 रुपये में इन्होंने दिया। और यदि आप बगैर बाथरूम, अटैच या अटैच बाथरूम है और बगैर बाथरूम के लेते हैं, कॉमन बाथरूम वाला, तो आपको 300-350 मिल जाता है शायद। और ये मैं आपके सामने, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे साथ में आप भी इस सफ़र को एंजॉय करें। और ये लिफ्ट से हम नीचे भी आ गए हैं। और ये यहाँ का रिसेप्शन होटल का, होटल द्वारका कमाई, द्वारका कमाई। आइए चलते हैं। और ये हमारा होटल था आज का, और ये भैया के साथ अभी हम बस स्टैंड चल रहे हैं। चलो चलो, यहाँ से वैसे तो बस स्टैंड पास में ही है लेकिन टाइम अभी हो गया है बस का इसलिए। और ये ऑटो वाला भैया हमने यहाँ बस स्टैंड पे उतार दिया है। आइए बस देखते हैं। और ये एमपी की आज हमारी बस जो हमें इंदौर तक ले के जाएगी, यहाँ से इंदौर ये बस। और ये यहाँ का बस स्टैंड, चारों तरफ बसें ही बसें। और ये भाई साहब, यहाँ कंडक्टर साहब खुश हैं, ये भी कहीं कहीं जा रहे हैं। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। और ये हमारी अभी बस चल पड़ी है यहाँ धुले बस स्टैंड से।
अभी हम पहुंच गए हैं शेरपुर, और ये शेरपुर का बस स्टैंड धोले से तकरीबन 50-55 किलोमीटर चलने के बाद ये शेरपुर का स्टेशन बस स्टैंड आया है। 5 मिनट का यहाँ पर स्टॉप होगा और फिर आगे चलेंगे। और अभी शेरपुर से निकल रही है हमारी गाड़ी। और यहाँ अभी हम महाराष्ट्र और MP के बॉर्डर पे हैं, और यहाँ इस गाड़ी की वजन होता है, तुलाई होती है। गाड़ी हमारी यहीं पे ये निकल रही है, देखो यहाँ से, और वजन करके फिर अंदर एंट्री होती है, और यहाँ से फिर आगे निकल के यहाँ से हम वापस इसमें बैठने वाले हैं। ये बस स्टॉप, ये ज़्यादातर सवारियाँ जो इसी गाड़ी के अंदर थी, और ये कुछ लोग जा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। और यहाँ पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से हमारे ड्राइवर ने पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि हम रॉन्ग साइड में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ में पैसेंजर हैं, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने कि एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। हम आपको इधर से रॉन्ग साइड से अलाउ नहीं करेंगे, आप ट्रैफिक के अंदर आपको जाना पड़ेगा और ट्रैफिक के साथ चलना पड़ेगा। काफ़ी देर से जाम में खड़े हुए हैं, बिजासन घाट पे ये जाम लगा है, 3-4 किलोमीटर का जाम है से आगे, और अभी भी ये नहीं चल रहा है, तो कहाँ तक कितना टाइम लगता है देखते हैं। अभी दोनों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ की लाइन, और ज़्यादातर ट्रक लोग यहाँ पर, ट्रक के लोग हैं। दूसरी तरफ का रोड खाली है, लोग सीधे आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये इधर का हमारा जो रोड जिसमें हमारी बस खड़ी है पूरा जाम है। और तकरीबन 3 घंटे के जाम के बाद हम लोग वहाँ से आगे निकले, तो पता चला कि आगे एक एक्सीडेंट था, दो ट्रक आपस में भिड़ गए थे, इस वजह से ये जाम लगा हुआ था, इसे जिसमें हमें 3 घंटे का टाइम लग गया था। ट्रैफिक से निकल के आ गए हैं, सेंधवा पहुंच गए हैं। सेंधवा से पहले ही घाट में ट्रैफिक था, और काफ़ी टाइम वहाँ पे लगा, तकरीबन 2 से 3 घंटा या 3 घंटे से ज़्यादा लग गया, और अभी हम सेंधवा पहुंचे हैं। ये सेंधवा का चौक आ गया, शिवाजी महाराज का चौक।
ये अभी हम नर्मदा नदी क्रॉस करके खल घाट पे आ गए हैं। ये यहाँ का बस स्टैंड का व्यू, और यहाँ से अभी इंदौर तकरीबन 90 किलोमीटर और रह गया। थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि वो बीच में जाम लगा हुआ था, और उस जाम में तकरीबन 3 घंटे चले गए थे घाट के ऊपर। अभी 90 किलोमीटर और है इंदौर, बने रहे मेरे साथ में इस वीडियो में। तो इस तरह से ये हमारा सफ़र इस गाड़ी के द्वारा यहाँ तक का पूरा हुआ, और ये इंदौर का बस स्टैंड। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ये सरवटे बस स्टैंड इंदौर। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।